और कितना दूर है? अरे अभी शुरुआत की और कितना दूर है। पैदल चलने का प्लान कौन बनाता है यार? सुना है भालू भी आते हैं। आज हम निकले हैं खोड़े हनुमान जी जाने के लिए और लगभग 12 किलोमीटर है और सफर पैदल होगा। तो रूम से अभी निकला हूँ और अभी कुछ और लोग भी जुड़ने वाले हैं। तो दो बंदे रहे ये और एक, तो यार ये वेट करना बहुत ख़राब लगता है। दो लोगों के जुड़ने के बाद कुछ लोग और भी जुड़े हैं। सुबह मॉर्निंग हम निकल चुके हैं बालाजी के लिए पैदल यात्रा। तो राम का नाम लेते हुए चलते हैं एक सफ़र की ओर जो पैदल होने वाला है। उमस भी बहुत ज़्यादा है और हमारे शर्ट वैसे पहले से थोड़े बहुत गीले हो चुके हैं उमस की वजह से, गर्मी की वजह से पसीना आ चुका है, लेकिन देखते हैं सफ़र कैसा होता है। जय श्री राम। चलते चलते 5 किलोमीटर आ गए हैं और स्लाइड कर दी, आ गई वापस। लोग काफ़ी थक गए हैं इसलिए आगे चल रहे हैं और मैं तो थका नहीं हूँ इसके पीछे गए। काफ़ी आगे चले गए और उन्हें पकड़ने के लिए थोड़ा सा रन अप लेना पड़ेगा। जाने दो, धीरे ही चलेंगे। तब तक आप देख लो पेड़ पौधे, फूल पत्तियाँ, सड़के हैं और ये छोटे छोटे फूल आपके लिए। तो सुबह होने को है और सब दो दो ग्रुप में बढ़ चुके हैं, ये दो वो दो, उसके आगे और दो, उसके आगे और दो। तो देखो क्या व्यू आ रहा है। चलते चलते पहुँचे हैं ये महादेव जी टेम्पल, ये बिरला मंदिर और ये मोती डूंगरी मंदिर। मंदिर आते ही गणेश जी का प्रसाद नहीं मिल गया। हम थोड़ा पीछे रह गए थे और ये थोड़ा सा आगे चले गए थे और अभी चलते हैं मोती डूंगरी मंदिर। थोड़ा सा रेस्ट ले लेते हैं। तो भाई वापस चल रही है। फाइनली मेन गेट पर पहुंच चुके हैं, प्रसाद भी ले रहे हैं और काफी थक गए। जैसे ये रहा मंदिर, अभी जाएंगे और दर्शन करेंगे। और इससे कुछ और ऊपर आए तो शिव जी का टेम्पल है और यहाँ से भी व्यू, शिव जी का एक और टेम्पल और यहाँ से व्यू और भी शानदार। बजरंग बली के दर्शन करने के बाद हम पहुँचे हैं इसके बैक साइड में वैष्णो देवी जी का मंदिर है। इसके लिए ट्रैक करके जाना पड़ेगा तो देखते हैं इस सफ़र को। ये लगता है पहाड़ी इलाका, मैं यहाँ आया हुआ नहीं हूँ। और साथ में बंदे देख सकते हैं आप, एक प्यारा सा ये स्ट्रक्चर। भाई कितना चिल्ला रहे हैं ये, अब देखते हैं ट्रैक कितना क्या होता है। जल्दी स्टार्ट। तो ट्रैक यहाँ शुरू होता है, फुल जोश है बंदों में, पैरों में छाले हो गए कसम से, क्योंकि 12 किलोमीटर चल के आए हैं। जिस हिसाब से इनमें जोश है लगता है जल्दी ठंडा हो जाएगा। और कितना दूर है? अरे अभी शुरुआत की और कितना दूर है। ये सीन देखो, मानसून में यहाँ ट्रैक करने का कुछ अलग सा ही एक्सपीरियंस है। इतना चलने के बाद ट्रैक थोड़ी होता है, जोश ठंडा ऐसे होता है। एक मिनट, और ये है यहाँ से व्यू। फिर एक नया ट्रैक। आज आए तो खोड़े हनुमान जी मंदिर थे और मंदिर पे मंदिर घूमने जा रहे हैं। ये ट्रैक थोड़ा अलग है, जंगल से होके जा रहे हैं, जंगली इलाका है पूरा। सुना है भालू भी आते हैं, बस पीछे से नहीं आए वो, ठीक है आगे से चलेंगे। ये देखो नीचे इतनी गहरी खाई है, पास में ट्रैक बना हुआ है, इस साइड ऊपर पर्वत है, ये जा रहा है आगे। देखो रोमी, फिलहाल फोन मेरे हाथ में है,
एकदम जंगली, हम साथ में चल रहे, एकदम जंगली इलाका है। हमने जो ट्रैक पार किया था वो इस जंगल में था पीछे अंदर, और ये आगे यहाँ से नीचे जाने का रास्ता है। उतरने का रास्ता, ये उतरने का रास्ता कठिन होने वाला, पत्थरों से होके जा रहे हैं ना, सीढ़ियां हैं कुछ। ये रोमी देखो बीच में नाश्ता बजा रहे हैं, रास्ता काफी नजदीक आ गया है। तो ये था हमारा आज का वीडियो, और उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा। ये ऑन ड्यूटी ही रहेगा। तो दो लोगों के जुड़ने के बाद कुछ लोग और जुड़े हैं, और इसी प्रकार जुड़ते ही जुड़ते लेवल सबके निकलेंगे, लेकिन आखिर तक खड़ा वो ही रहेगा जो चलेगा। चलेगा, चलो चलो सारथी प्रस्थान करो। मंजिल के जस्ट पास में ही पहुंचे हैं अभी, तभी मुझे एक कवि का कुछ पंक्तियां याद आ रही है, जो मैं आपको फरमाइश करूंगा। आप इरशाद करिएगा कि रहा जहां तक जाएगी राहगीर वहां तक जाएगा, रहा जहां तक जाएगी राहगीर वहां तक जाएगा, दरिया से क्या पूछ रहे हो कि नीर कहां तक जाएगा, तू खींच धनु की डोर साध निशाना, फिर देखेंगे कि तीर कहां तक जाएगा। तो देखो, तो इतने मंदिर घूमे तो प्रसादी भी होनी चाहिए।